गुजरात और दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों जैसी वारदातें यूपी में भी न हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निरोधात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि किसी भी मस्जिद या मंदिर से माइक लाउडस्पीकर की आवाज़ मस्जिद परिसर से बाहर नहीं आई। खुफिया विभाग से मिल रही सूचनाओं के बाद 4 मई तक पुलिस व प्रशासन के अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नमाज, अजान, पूजा पाठ मस्जिद मंदिर के भीतर ही हो, सड़क के सार्वजनिक स्थान को रोककर कोई धार्मिक आयोजन न हो। योगी ने कहा कि कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। हालिया दिनों में विभिन्न धर्मों के कई पर्वों का आयोजन हुआ। यह सुखद है कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का प्राथमिक दायित्व है। हमें अपने इस दायित्व के प्रति सदैव सतर्क रहना होगा। योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्यौहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्यौहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन हो सकता है, इसलिए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर ADG तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं। SOCO और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की 4 मई तक छुट्टी निरस्त रहेगी। जो छुट्टी पर हैं अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटेंगे। CM कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।